गाइस, चटनी बनाने के लिए मैंने पैन को रख दिया है गैस पे। पैन गरम होने के बाद हम इसमें डालेंगे मूंगफली के दाने। हमें मूंगफली को अच्छे से भून लेना है। तो गाइस ये देखिए, हमारी मूंगफली अच्छे से भून रही है। अब मैं गैस की फ्लेम को लो करके इसको एक अलग बाउल में ले लेती हूँ। और अब हम इसी पैन में डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। मैं यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। और अब हमें इस पैन में डालना है ये लहसुन की कलियाँ। लहसुन की कलियाँ को हमें अच्छे से इसमें फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए गाइस, हमारी लहसुन की कलियाँ अच्छे से हो गई हैं फ्राई। इनका हल्का सा कलर चेंज हो गया है। अब मैं गैस की फ्लेम को लो करके इसे भी एक अलग बाउल में ले लेती हूँ। और अब फिर हम इसी पैन में डालेंगे नारियल और इसको भी हमें अच्छे से भून लेना है। आप नारियल को लो फ्लेम पर ही भूनें, बिल्कुल हल्का सा हमें इसे भूनना है, ये जलना नहीं चाहिए। ये देखिए नारियल का कलर हल्का चेंज हो गया है। अब मैं इसको भी एक बाउल में ले लेती हूँ। और अब इसी पैन में हमें तिल को भी भूनना है। तिल जब इस तरह से चिटकने लगे तो आप गैस की फ्लेम को लो कर दें और तिल को भी आप अलग निकाल लीजिए। और अब फाइनली हम इसमें ऐड करेंगे ये धनिया और सूखी हुई लाल मिर्च और इसको भी हमें भून लेना है। तो अब हमें एक जार में डालना है तिल, लहसुन, मूंगफली, नारियल, खड़ी धनिया और सूखी हुई मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट और मैं डाल रही हूँ इसमें 1 टीस्पून इमली का पेस्ट। अब हमें इन सबको अच्छे से पीस लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, चटनी को मैंने पीस लिया है, ये काफ़ी अच्छी बनी है। आपको चटनी पीसते वक्त बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना है और आप इसको दरभरा पीसें। तो गाइस, हमारी सूखी लहसुन की चटनी बनकर तैयार है। इस चटनी को आप एयरटाइट कंटेनर में 15 से 20 दिनों तक स्टोर करके रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं और आप इसको वड़ा, सैंडविचेस, बर्गर में इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इसको डोसा के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और अगर आपको इसको रोटियों के साथ खाना हो या दाल चावल पर, तो आप इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल या फिर देसी घी मिला लें और इसको गर्मा गर्म रोटियों के साथ परोसें, आपको डेफिनेटली बहुत मज़ा आएगा। तो मैं आपको फिर मिलती हूँ एक नेक्स्ट रेसिपी के साथ। टिल देन, ईट हैप्पी एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय, टेक केयर।